ऑकुलर अकाउंट और मेडिकल एविडेंस के बीच में कंफ्लिक्ट हो सकता है, यानी जो चश्मदीद गवाहान हैं उनके बयानात में और मेडिकल एविडेंस में अगर डिस्क्रिपेंसी है, इख्तिलाफ है, कंफ्लिक्ट है, तो इसका अफेक्ट क्या होगा? अगर ऑकुलर अकाउंट यानी चश्मदीद गवाहान के बयानात कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, काबिले एतमाद हैं, तो उनको प्रेफर किया जाएगा मेडिकल एविडेंस पर, क्योंकि छोटा मोटा डिस्क्रिपेंसी, छोटा मोटा इख्तलाफ आ सकता है। मिसाल के तौर पर फायरिंग हो रही है, अब जो ही फायर होता है एक ह्यूमन रवैया है कि वो अपने आप को एस्केप करता है, कोई इधर भागता है, कोई उधर भागता है, साइड पे होता है, और वो इतने गौर से ये नहीं देख रहा होता कि ये ट्रिपल टू गन है या कौन सा माउजर है या किस किस्म का है, एक बात। दूसरा, उस वक्त एग्जैक्ट वो पैमाइश ही नहीं कर रहा होता। तीसरा, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कौन सी गोली जा रही है और किसको हिट कर रही। ये चीजें, इन पे मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए अगर छोटा मोटा डिस्क्रिपेंसी है तो अकुलर अकाउंट को प्रेफर किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि ये ट्रस्टवर्दी है मेडिकल एविडेंस पर। और एक जजमेंट में नोट करवाऊंगा, उसमें ये बात नहीं है, लेकिन वैसे ये एक फैक्ट है कि जो चश्मदीद गवाहान के बयान आते हैं वो प्राइमरी एविडेंस है, वो सब्सटेंटिव एविडेंस है, जबकि जो मेडिकल एविडेंस है वो क्रबरेटरी इन नेचर है। तो इन बातों पे एक जजमेंट नोट फरमाइए, 2023 SCMR पेज 190। थैंक यू वेरी मच।